यही जो एरिया है इसको लिंगराज टेम्पल एरिया बोला जाता है। यहाँ से शुरुआत होता है एकाम्र क्षेत्र। पहले का लिंगराज टेम्पल का एरिया, अभी का लिंगराज टेम्पल का एरिया आप देखेंगे बहुत बड़ा चेंजेस है, बहुत बड़ा रिनोवेशन किया गया भी है। और ये सब एरिया आपको देख के ही पता चल जाएगा कि एकाम्र क्षेत्र का पहला जो शुरुआत होता है वही है लिंगराज टेम्पल एरिया में शुरू होता है, जो कि लॉर्ड शिवा का एक अनदर रूप है लिंगराज टेम्पल। अगर आप एकाम्र क्षेत्र घूमने के लिए आते हैं, पार्किंग के लिए प्रॉब्लम भी नहीं होता है, इतना बड़ा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स भी है और पार्किंग के लिए भी प्लेस है। याद रखिए ये BMC का पार्किंग है। लिंगराज मंदिर को सोमवंश का जो राजा जजाति केसरी वो बनाए थे, वो करीबन 11वीं सेंचुरी में इसको बनाए हैं। और ये जो है ये भुवनेश्वर का एक मुख्य मंदिर है, जो कि एक एकाम्र क्षेत्र का शुरुआत यहाँ से शुरू होता है और ये एकाम्र क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट है। ये जो लिंगराज टेम्पल है ये भुवनेश्वर का ओल्ड टाउन ओल्ड भुवनेश्वर एरिया में है। वास्तव में यहाँ शिव की पूजा कृतिवास के रूप में की जाती थी और बाद में भगवान शिव की पूजा हरिहर नाम से की जाने लगी। लिंगराज टेम्पल की वास्तु शिल्पीय बनावट भी बेहद उत्कृष्ट है। ये भारत के कुछ बेहतरीन गिने चुने ही मंदिर में एक है। इसका जो मुख्य मंदिर है वो 55 मीटर लंबा है और इसमें लगभग 50 अन्य मंदिर है। अपनी स्थापत्य कला के लिए लिंगराज मंदिर प्रसिद्ध है। यह करीब 2,50,000 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्रों में यह मंदिर का परिसर बनाया गया है। मंदिर के चारों हिस्से में मुख्य मंदिर और इसके अलावा यज्ञशाला, भोग मंडप, नाट्यशाला है। यहाँ पूरे साल पर्यटक और श्रद्धालु आते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये है मीडिया गैलरी। अगर कभी आप लिंगराज टेम्पल घूमने के लिए आते हैं या फोटो फोटो लेना चाहते हैं तो यही इस गैलरी के ऊपर आप खड़ा होके आप ये लिंगराज टेम्पल का व्यू पूरा आप देख सकते हैं। ये पूरा मेरे पीछे जो है पूरा लिंगराज टेम्पल है और इसके अंदर बहुत छोटा मोटा टेम्पल भी है। एक चीज़ है, इसके अंदर आपको कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एक्सेसिबल नहीं है, आपको बाहर रख के जाना पड़ेगा। और सेकंड थिंग है, अगर आपको ऐसे फ़ोटो या कुछ वीडियो शूट करना है तो उसके जस्ट बाएं तरफ से आपको एक मीडिया गैलरी मिलेगा, एक मंडप मिलेगा। इस मंडप जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से आप पूरा लिंगराज टेम्पल का वीडियो शूट कर सकते हैं और आप उसका फ़ोटो भी ले सकते हैं। ये यहाँ का नज़ारा आप बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक बार यहाँ पर आके ले सकते हैं। इतना टेंपल से इसके अंदर अब घूम के ही पता चलेगा ये लिंगराज टेंपल का ऐश्वर्य क्या है और हिस्ट्री क्या है।